प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र पहुंचे। डिप्टी सीएम अजीत पवार और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। पुणे में पीएम ने संत तुकाराम शिला मंदिर का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम ने संत तुकाराम को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि संत तुकाराम कहते थे कि ऊंच नीच में भेदभाव करना सबसे बड़ा पाप है। वीर सावरकर भी जेल में अपनी हथकड़ियाँ बजा कर संतुका के अभंग गाया करते थे। संतों ने अलग अलग स्थानों की यात्रा कर श्रेष्ठ भारत को जीवंत रखा है। राम मंदिर बन रहा है, काशी के मंदिर का भी विकास हो रहा है। विकास और विरासत साथ साथ चलने चाहिए। पीएम आज शाम दो अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यहां उनके साथ सीएम उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, डिप्टी सीएम अजीत पवार, सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण, हाईकोर्ट के जज दीपांकर दत्ता भी मौजूद रहेंगे। पीएम शाम को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई समाचार के द्विशताब्दी इवेंट में भी शामिल होंगे। इसका प्रकाशन 1 जुलाई 1822 से लगातार चल रहा है, जिसके 200 साल पूरे होने पर पीएम एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। मुंबई में राज्यपाल के कार्यालय पर जलभूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी बनाई गई है, जिसका पीएम इनॉग्रेशन करेंगे। जलभूषण 1885 से महाराष्ट्र के राज्यपाल का आधिकारिक निवास रहा है। इस भवन के पुराने होने के बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया और एक नया भवन बनाया गया। वही एक प्राचीन मंदिर श्रीगुड़ी मंदिर में दर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अभी कुछ महीने पहले ही मुझे पालकी मार्ग में दो राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर्लेन करने के लिए शिलान्यास का अवसर मिला था। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।